अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम आए हैं एक शॉप पे, वहाँ पे हम लेंगे फ़ोम। ये कारपेट वाली शॉप है और ये वो फ़ोम है जो कारपेट के नीचे डलती है, तो वो मैंने लेनी है और इसकी मोटाई चेक कर रही हूँ। जो मुझे पसंद आएगी वो लूँगी। और मैंने सबसे मोटा फ़ोम जो था वो लिया था, और ये फ़ोम मैं ले रही हूँ जायनमाज के नीचे डालने के लिए, लगाने के लिए, परमानेंट लगाने के लिए, क्योंकि मेरे ख्याल में अगर कंफर्टेबल होकर इबादत की जाए तो बड़ा ही मज़ा आता है इबादत करने में। और बाज़ औक़ात कहीं को घुटनों के मसले होते हैं, मेरे हर मसले के नीचे जो है इस तरह का फोम अटैच है, और एक मीटर जो है वो मसले के नीचे बहुत इजी से लग जाएगी और पूरी होगी, इसलिए मैंने एक मीटर ही इसका पीस लिया है। और ये लेके हम जा रहे हैं घर, और मिलती हूँ आपको अपने घर में। तो यहाँ पे मैंने फोम रखा हुआ है और साथ में मसाला है, और ये एक मोटी नलकी जो होती है वो है, और मोटी सुई है। ये मैं सुई के साथ अटैच करूँगी नीचे मसाले के। तो सुई जो है दो किस्म की होती है, एक खंदुई कहते हैं हम, पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं, और एक जो है वो खंदुई से भी मोटी होती है, जिसे किताबें वगैरह सिलाई करते हैं ना, वो वाली सुई है। तो वो मैं सुई लूँगी ताकि सुई टूटे ना, अच्छी मोटी होनी चाहिए सुई। ये सुई जो है इजीली मार्केट से मिल जाती है, जहाँ से आप लैसीज और नलकियाँ वगैरह लेते हैं सुइयाँ, वहाँ से ये आसानी से मिल जाएगी। तो एक कैंची की ज़रूरत होगी हमें, और काट लेते हैं इसको। ये मैं पहले माप लूँगी कि इसके साथ मसाले के साथ इसके जो साइज़ है वो पूरा है, और इसके अंदर जो है वो मैंने एक चटाई नुमा जो मसाला होता है वो लिया है, ताकि नीचे से हमारा जो ये फोम है वो ख़राब ना हो और सेफ़ रहे। तो नीचे मैं ये लगाऊंगी, और ये गंदा भी हो तो बड़ी इजीली जो नीचे से धुल जाएगा, तो इसलिए मैं दरमियान में रखूंगी फोम और ऊपर रखूंगी मसाला, और सबसे नीचे मैं रखूंगी वो चटाई वाला मसाला। ठीक है जी, तो दोनों साइडें पहले सीधी कर लेंगे, देख लेंगे, और जो सीधी साइड होगी वो मैं नीचे रखूंगी, और जो उल्टी साइड होगी वो मैं ऊपर की तरफ रखूंगी, क्योंकि नीचे वाली साइड जो है वो सामने आने वाली है, और जो पिछली साइड है वो अंदर छुप जाएगी, तो इसलिए जो सीधी साइड है वो हम नीचे रखेंगे, उसके ऊपर फोम रखेंगे, और उसके ऊपर जो भी आपने मसाला अटैच करना हो वो अटैच करने के लिए पहले इसे सेट करेंगे, इसकी पमाइश वगैरह करके कि ये तीनों चीज़ें बराबर आ रही हैं, तो फिर हम इसको स्टिच करेंगे हाथों की मदद से। तो ये काफ़ी फोल्ड हुआ हुआ था, इसलिए बड़ी मुश्किल से ये सीधा हो रहा है, मसाला उसके ऊपर सेट हो रहा है। तो ये बड़े अच्छे से मैं सेट करके इसको टांके लगाऊंगी। ये देखें बराबर हमारी आ रही हैं तीनों चीज़ें। अब मैं सुई में डबल धागा डाल लूँगी और इसको सीना शुरू करते हैं। अच्छा, इसको सीने का भी एक तरीका है, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि नीचे से हम इसको स्टार्ट करेंगे सिलाई करना, और ऊपर बिल्कुल छोटा सा टांका लगाएंगे, और फिर नीचे से थोड़ा गैप रख के बड़ा टांका लगा के फिर ऊपर छोटा टांका लगाएंगे। तो मैं आपको मसाले को नज़दीक करके दिखाती हूँ। तो इस तरह अगर आप मसाले को सिलाई करके इसके साथ फोम के साथ इस पर इबादत करेंगे, तो यकीन करें आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है इबादत करने में, कंफर्टेबल होकर इबादत करेंगे तो ज़्यादा दिल लगा रहेगा उस तरफ। वरना अगर इरिटेट हो रहे हो आप, तो आप जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करके इसको मसाले को छोड़ना चाहेंगे। तो इस तरह का मसाला बनाएं कि आपका दिल करे कि इसके ऊपर ही बैठे रहें। तो ये देखिए, नीचे से मैंने बड़ा टांका लिया और ऊपर से ये बिल्कुल बारीक सा छोटा सा, जबकि ये वाइट धागा है लेकिन ये नज़र नहीं आएगा। देखिए बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा, वेलवेट का ये मेरा मसाला है, इस पे तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। अगर आपका जो नॉर्मल मसाला होता है आप उस पर भी स्टिच करेंगे तो नज़र नहीं आएगा। बिल्कुल बारीक टांका आपने ऊपर रखना है और नीचे थोड़ा बड़ा रखना है, इससे ईजीली ये जल्दी से भी सिलाई हो जाएगा और बड़ा मज़बूत सिलाई होगा। ये देखिए बिल्कुल छोटा सा टांका मैंने ऊपर लिया, और नीचे जो है वो मैंने काफ़ी गैप छोड़ के फिर मैंने उसका टांका निकाला, तकरीबन 2 इंच छोड़ के फिर निकाला है। तो इस तरह से आपने चारों तरफ से मसाले को स्टिच कर लेना है। थोड़ा सा लगेगा, मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी, मुश्किल लगेगा थोड़ा, लेकिन हो जाएगा। ये देखें, अब बिल्कुल छोटा सा ऊपर लूँगी और नीचे से बड़ा टांका निकालेंगे। यहाँ पे धागा जो है वो ख़त्म हो चुका है, मैं नीचे से इसको गिरा लगा लेती हूँ। धागा जब आप डालेंगे तो एक दफ़ा में काफ़ी ज़्यादा धागा डालिएगा, ताकि बार बार जो है हमें धागा डालना ना पड़े। तो 2 दफ़ा मैंने धागा डाला था, तो ये पूरा मसाला जो है वो स्टिच हो गया था। तो बस जी, ये देखें हमारा मसाला जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है, बिल्कुल अच्छे से फोम और नीचे वाला चटाई वाला मसाला जो है वो इसके साथ अटैच हो चुका है।
और आप इस पे इबादत करेंगे, बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको इस तरह से। और ये काफ़ी अच्छा आइडिया है, मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के साथ। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।